Hello students, in our previous video we discussed some important formulas of 3D figure, that is cube, cuboid and cylinder, and in this video we discuss again some important formulas of cone, then after that sphere, then after that hemisphere. Cone, here the diagram of a cone is there. Cone हम आपने देखा होगा जो जोकर की कैप होती है, जो बर्थडे कैप होती है, वो भी इट इज एक्ट लाइक अ कोन. रोड पे आपने देखा होगा जो बैरिकेड्स लगे होते हैं ट्रैफिक के लिए, वो भी इट एक्ट एज अ कोन, इसी शेप के होते हैं. कोन के अंदर क्या होता है, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया टॉप पे, है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और बीच नीचे बेस क्या होता है, बेस होता है उसका सर्कुलर. तो जो सर्कल वाला एंड होता है, अगर सर्कल का एरिया निकालेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर. अगर सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया की बात करूँ मैं, नीचे अगर जो बॉटम पार्ट है सर्कुलर है, इसकी रेडियस आ रहे हैं, तो सर्कल का एरिया बेस जो अपन बोलते हैं बॉटम, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. और ये जो कर्व सरफेस एरिया बचा हुआ है, ये एरिया पूरा राउंड है, ये कर्व सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है सी एस ए, ये होता है पाई आर एल कोन के केस में. नाउ तो कर्व सरफेस एरिया एंड जो कर्व सरफेस एरिया होता था पाई आर एल, एंड नीचे जो होता है बेस होता है सर्कल, उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करेंगे टोटल सर्फेस एरिया. टोटल सर्फेस एरिया इन दोनों को कंबाइन करके बन जाएगा. तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल. हियर आर इज द रेडियस एंड एल, एल क्या है यहाँ पर, एल इज स्लेंट हाइट. एल क्या है, स्लेंट हाइट, ऐसी हाइट जो स्लेंटिंग है उसको बोलते हैं स्लेंट हाइट. एंड एच क्या है, एच है हाइट ऑफ अ कोन. एच तो है हाइट ऑफ अ कोन और एल है स्लेंट हाइट ऑफ कोन. ये बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि एल है यहाँ पे स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन. नाउ सी ए से कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो है पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल. नाउ थर्ड एल अगर निकालना है आपको, स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. नाउ फोर्थ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम करने पड़ता है पाई आर स्क्वायर एच. तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हियर द फॉर्मूला ऑफ कोन आर देयर, वॉल्यूम आपको मैंने बता दिया पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे क्यूबिक यूनिट आएगा कि वॉल्यूम क्यूबिक में है और जितने भी एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में. नाउ आफ्टर दैट वी डिस्कस स्फेयर. स्फेयर इज ऑल्सो अ 3D फिगर लाइक अ बॉल, फुटबॉल, जो आप बॉल ले लो, कैसे फुटबॉल ले लो, वो क्या होता है, इट इज अ 3D फिगर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टोटल सर्फेस एरिया. टोटल सर्फेस एरिया अगर आप डिस्कस करेंगे इसका, स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है, दोनों सेम होते हैं. क्यों, क्योंकि पूरा जो स्फेयर है, जो पूरी एक बॉल है, अगर आप कोई भी टेनिस बॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी एक टेनिस बॉल है तो वो भी क्या है, टोटल स्फेयर है, तो उसका कर्व वाला पार्ट भी टोटल सर्फेस एरिया के अंदर काउंट होता है. तो उसका टोटल सर्फेस एरिया और कर्व सर्फेस एरिया ऑफ स्फेयर बोथ आर सेम. सो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4πr² एंड द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज ऑल्सो 4πr². टोटल सरफेस एरिया है तो भी 4πr² लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया है तो भी 4πr² ही मेंशन है. नाउ द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 4/3πr³ क्यूबिक यूनिट. 4/3πr³ वॉल्यूम के अंदर आर क्यूब होता है, 4/3πr³ क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए. नाउ स्फेयर, आफ्टर दैट स्फेयर वी डिस्कस हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर कैसे बनता है, स्फेयर को अगर मैं हाफ पार्ट में कट कर दूं, एक मैंने स्फेयर लिया, अगर ये पूरा की स्फेयर है, इसको मैं क्या करूंगा, हाफ पार्ट में क्या करूंगा, बीच में से कट कर दूंगा. अगर इसके हाफ पार्ट में इसको कट कर दिया, फिर रिमूव कर दिया ऊपर वाला पार्ट, तो क्या बन गया, हेमिस्फेयर, जो मैंने डायग्राम में आपको शो कर रखा है. तो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की जो कर्व सरफेस है वो नीचे है कर्व सरफेस, और ऊपर वाला क्या है, एक सर्कुलर एंड सर्कुलर टॉप सर्कुलर. तो फर्स्ट तो है टॉप सर्कुलर फेस, और नीचे क्या है, कर्व सरफेस एरिया. तो ये तो है टॉप पाई आर स्क्वायर सर्कुलर एंड, और नीचे सी ए से ऑफ कोन, सॉरी सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर. सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो गया, हेमिस्फेयर का हाफ. अगर हेमिस्फेयर का अपन हाफ कर दें तो क्या आएगा, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. हेमिस्फेयर स्फेयर के जो कर्व सरफेस एरिया है उसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो क्या आएगा अपने पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर का मतलब ही होता है स्फेयर का हाफ.
हाफ ऑफ स्फीयर। तो फर्स्ट अपन निकालेंगे इसका टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा इसका, 3πr² इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 3πr². बच्चे इसको 2πr² लिखते हैं, वो गलत होता है। 3πr² कैसे, कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता है कितना आएगा, 2πr², क्योंकि स्फेयर का कितना है 4πr², इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2πr², तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो हो गया 2πr², और टॉप वाला भी ऐड करेंगे टोटल में तो 1πr² और हो जाएगा। तो πr² प्लस 2πr² टोटल कितने πr² हो गए, दैट इज 3πr². सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr². नाउ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता ही, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr² है तो हेमिस्फीयर का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए हाफ कर दो कर्व सरफेस एरिया जो स्फीयर था उसको हाफ करेंगे, मतलब हाफ मतलब डिवाइड बाय टू, उसको डिवाइड बाय टू कर दो तो कितना आएगा 2πr². तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 2/3πr³ क्यूबिक यूनिट। 2/3 किसे आया, क्योंकि स्फीयर का आएगा 4/3, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2/3, तो हो गया 2/3πr³। तो तीन फॉर्मूले हैं हेमिस्फीयर के इंपॉर्टेंट है, TSA 3πr³, CSA 2πr, सॉरी जो TSA है वो 3πr² एंड CSA कर्व सरफेस एरिया 2πr² एंड वॉल्यूम 2/3πr³। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।